गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज 9 जनवरी का जो पेपर था वो भी कंप्लीट हो गया। ये पेपर भी पिछले पेपरों जैसे थोड़ा आसान था, है ना। कुछ क्वेश्चन थे थोड़े कैलकुलेशन वाइज लेंदी थे, है ना। अदरवाइज अगर आपने नोट्स पढ़ा होगा, है ना, जो क्लास में पढ़ाया गया, अगर वो नोट्स आपने पढ़ा होगा तो आप सारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो कि आउट ऑफ सिलेबस हो, जो हमने क्लास में नहीं पढ़ा हो, है ना। तो जैसे कि ये पहला क्वेश्चन है, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, डी ब्रोगली वेवलेंथ से रिलेटेड है। इसमें कहा गया है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज ई एंड इट्स डी ब्रोगली वेवलेंथ इज लैम्डा। ऑन इंक्रीजिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी बाय डेल्टा ई इट्स न्यू डी ब्रोगली वेवलेंथ बिकम्स लैम्डा बाय टू देन फाइंड डेल्टा ई, है ना। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि डी ब्रोगली वेवलेंथ जो होता है उसको हम लोग लिखते हैं एच बाई पी। पी जो होता है ना, पी स्क्वायर बाई टू एम, ये एक्चुअली में काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। तो पी को हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट टू एम इंटू ई, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं पी का वैल्यू रखता हूँ तो ये आता है अंडर रूट टू एम ई। तो देख सकते हैं कि ये जो h है और m है ये तो कांस्टेंट रहेंगे हमेशा। अगर एनर्जी चेंज करेंगे तो लैम्डा चेंज होगा, तो लैम्डा जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट e, ये हो गया। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1 इज इक्वल टू अंडर रूट e1 डिवाइडेड बाई e2, ऐसे लिख सकते हैं। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल इसलिए ऐसा, ये रेशियो उल्टा हो गया है, है ना। यहाँ रूट था तो यहाँ भी रूट रहेगा। अब लैम्डा 2 जो है ये कहा गया है कि लैम्डा बाई 2 है, लैम्डा 1 लैम्डा था, है ना। इनिशियल एनर्जी था E, तो फाइनल एनर्जी E2 का वैल्यू हमें निकालना है, है ना। तो लैम्डा और लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो देखेंगे ये हो जाएगा 1 बाई 2 इज इक्वल टू E बाई E2 का रूट। अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूं तो ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में 1 बाई 4 ई बाई ई टू, ठीक। यहाँ से ये आ गया, यानी फाइनल एनर्जी जो आएगा वो आएगा 4 ई, और इनिशियल एनर्जी कितना था ये आ गया, ये दिया गया था ई। तो जो डिफरेंस है वो आएगा ई टू माइनस ई वन, यानी कि 4 ई माइनस ई दैट इज 3E। और क्वेश्चन में यही चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, या कह सकते हैं कि इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी पूछा गया था, जो कि 3E के इक्वल आएगा। अब देखेंगे जो ऑप्शन ए है, जो पहला ऑप्शन है, इसमें चेंज को 3E लिखा गया है, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। सेकेंड क्वेश्चन अब देखेंगे, ये डायमेंशनल फार्मूला से रिलेटेड है। यहाँ पर एक क्वांटिटी दिया गया है, उसका डायमेंशनल फार्मूला फाइंड करना है। कहा गया है डायमेंशनल फार्मूला ऑफ अंडर रूट एच सी पावर 5 डिवाइडेड बाय जी। यहाँ पर एच जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, सी स्पीड ऑफ लाइट होता है, और जी जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। तो ये जो क्वांटिटी है, इस क्वांटिटी का हमें डायमेंशनल फार्मूला फाइंड करना है। तो पहले एक एक टर्म का डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे। हमें पता है कि एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, तो प्लैंक का इक्वेशन होता है ई इज इक्वल टू एच न्यू, है ना। ई एनर्जी होता है, एनर्जी को फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं ना। तो इसका जो डायमेंशन आएगा एम एल टी माइनस टू, ये मास हो गया, ये एक्सेलरेशन का हो गया, है ना, डायमेंशनल फॉर्मूला। तो मास इनटू एक्सेलरेशन फोर्स का हो गया, और ये डिस्प्लेसमेंट जो है ये है एल। तो ये टोटल मिला करके वर्क डन का कहें या एनर्जी का कहें, दोनों का डायमेंशनल फार्मूला एक जैसा होता है, ठीक है। और ये एच का डायमेंशनल फार्मूला हमें फाइंड करना है। फ्रीक्वेंसी होता है 1 बाय टाइम पीरियड, तो इसका हो जाएगा टी माइनस 1, है ना। तो अल्टीमेटली अगर एच का डायमेंशनल फार्मूला यहाँ से फाइंड करेंगे तो ये आएगा एम एल टू हो जाएगा, है ना, और ये आएगा टी माइनस 1, है ना। ये एच का डायमेंशनल फार्मूला आ गया। इसके बाद जो सी है ये स्पीड ऑफ लाइट है, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला हम कैसे लिखेंगे,
ये स्पीड है, स्पीड होता है LT माइनस वन, डिस्टेंस बाई टाइम। उसी तरह से ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी का अगर हमें पता करना हो तो क्या करेंगे, जो न्यूटन का फॉर्मूला उसको यूज करते हैं, एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये फोर्स है तो फोर्स का यहाँ भी हमने लिखा था डायमेंशन, वही आएगा मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन हो गया LT माइनस टू, ठीक है, इज इक्वल टू जी का जो भी डायमेंशन आएगा ये एम इंटू एम यानी कि एम स्क्वायर, और ये डिस्टेंस का स्क्वायर है तो एल स्क्वायर है ना। अब यहाँ से अगर आप जी का डायमेंशन फाइंड करेंगे है ना, तो ये आ जाएगा एम माइनस वन है ना, और ये हो जाएगा एल पावर थ्री, एक एल यहाँ पर है, एल स्क्वायर इधर आएगा, ये हो जाएगा, और टी माइनस टू, ठीक है। देखेंगे एक एम इधर था, इधर एम स्क्वायर था, एक एम एम कैंसिल हो जाएगा, एक एम नीचे आएगा है ना। तो ये हो गया जी का डायमेंशन। अब ये जो फॉर्मूला कहा गया है, इस फॉर्मूले को देखेंगे, फॉर्मूला है एच सी पावर फाइव डिवाइडेड बाई जी, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हमें लिखना है। तो एच का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, ये है एम एल टू यानी कि टी टी माइनस वन, ये हो गया एच का, और सी फाइव है एल टी माइनस वन, तो ये हो जाएगा एल पावर फाइव और टी पावर माइनस वन है ना। ये माइनस वन है और पावर में फाइव है तो ये भी माइनस फाइव हो जाएगा, डिवाइडेड बाई जी का डायमेंशन लिखेंगे तो एम माइनस वन एल पावर थ्री और टी पावर माइनस टू, ठीक। अब इन सबको एक साथ में अरेंज करते हैं तो देखेंगे ये एम ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर है ना, और एल वाला देखेंगे यहाँ पर एल स्क्वायर है, फिर फाइव है और ये थ्री है ना, तो फाइव और टू सेवन में से थ्री जाएगा तो ये आएगा एल पावर फोर, और ये है टी पावर माइनस फाइव, टी पावर माइनस वन तो होगा टी पावर माइनस सिक्स, उसमें से टी पावर माइनस टू कैंसिल हो जाएगा तो ये आएगा टी पावर माइनस फोर है ना, ये हो जाएगा। अब इसका रूट लेना है तो ये इधर आएगा एम, फिर ये आएगा एल पावर टू और ये आएगा टी पावर माइनस टू है ना। तो ये जो भी क्वांटिटी था उसका डायमेंशनल फॉर्मूला जो है वो ये एम एल पावर टू टी पावर माइनस टू। तो देखेंगे यहाँ पर जो सेकेंड ऑप्शन है ये बिल्कुल मैच कर रहा है एम एल पावर टू टी पावर माइनस टू। थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं, ये जो क्वेश्चन है ये ऑप्टिक्स का है, और स्पेशली जो हम लोग अपेरेंट डेप्थ और एक्चुअल डेप्थ से रिलेटेड जो थ्योरी पढ़ते हैं उससे रिलेटेड है ना। तो इससे रिलेटेड एक डेरिवेशन मैंने अपने वीडियो लेक्चर में कराया हुआ है, अगर आपने उसको देखा होगा तो ये जो क्वेश्चन है इसको बिल्कुल आसानी से आप कर सकते हैं। वो फॉर्मूला जो मैंने डेराइव किया है उसमें वो फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे तो जो है इसका आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, टू इमिसिबल लिक्विड्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रूट टू एंड टू रूट टू है ना, मतलब दो ऐसे लिक्विड हैं जो मिक्सअप नहीं हो सकते, मिक्स नहीं हो सकते, उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है एक का रूट टू है और एक का टू रूट टू है, आर फिल्ड विथ इक्वल हाइट एच इन अ वेसल, देन अपरेंट डेप्थ ऑफ बॉटम सरफेस ऑफ द कंटेनर गिवेन दैट आउटसाइड मीडियम इज एयर। कहने का मतलब ये है दो सरफेस है, दो लिक्विड है यहाँ पर, और दोनों का जो डेप्थ है या हाइट कह लें दोनों का एच है, ठीक। एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं मान लेता हूँ रूट टू है तो इस दूसरे वाले का टू रूट टू हो जाएगा, ठीक है, ऐसा इसमें दिया गया है। तो हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था या हमने क्लास में कई बार क्वेश्चन भी किया है कि यहाँ पर एक क्वाइन पड़ा हुआ है ना, तो इस क्वाइन का अगर इस क्वाइन को ऑब्जेक्ट मान लिया जाए तो इसका इमेज कहाँ पर बनेगा है ना, ये हमें बताना है। तो इसका एक्चुअल डेप्थ जो है कहेंगे कि 2h है और अपरेंट डेप्थ क्या आएगा, ये आएगा है ना। अगर इसका इमेज यहाँ पर बनता है तो ये अपरेंट डेप्थ कहलाता है, और अपरेंट डेप्थ निकालने का जो
फॉर्मूला हमने डिराइव किया क्लास में अपरेंट डेप्थ, वो ये होता है एक्चुअली में, जैसे ये डेप्थ है तो एच डिवाइडेड बाई म्यू रिलेटिव, है ना। म्यू रिलेटिव क्या होता है, ये जो मीडियम है इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहाँ जो सराउंडिंग का जो रिफ्रैक्टिव होता है, अगर ये सराउंडिंग है, सराउंडिंग मतलब कि जहाँ पर ऑब्जर्वर है ना, ऑब्जर्वर इधर से देख रहा है, तो ये हो सकता है कोई ऐसा मीडियम हो, कुछ दूसरा मीडियम हो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रूट टू के अलावा कुछ और हो सकता है ना, तो इसके रिलेटिव में इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखते हैं हम लोग, है ना। फिर यहाँ भी आएगा, मतलब ऐसे लिखते हैं एच वन बाई म्यू रिलेटिव वन, एच टू बाई म्यू रिलेटिव टू, ऐसे लिखते हैं। यहाँ पर एच वन एच टू दोनों इक्वल है, एच डिवाइडेड बाई म्यू रिलेटिव, जैसे इसका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो यह आएगा रूट टू डिवाइडेड बाई वन, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में एयर बताया गया है, अगर कोई दूसरा मीडियम होता तो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर नीचे रखते, है ना। प्लस यहाँ की बात करेंगे तो इसका भी डेप्थ जो है एच है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टू रूट टू डिवाइडेड बाई वन, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखेंगे कि ये और ये क्वांटिटी में क्या फर्क है, ये जो क्वांटिटी है ये सेम क्वांटिटी है ना, तो इसका ये आधा है, तो वन प्लस वन बाई टू यानी कि आएगा थ्री बाई टू इन टू एच बाई रूट टू, है ना। तो अपरेंट डेप्थ जो है वो एक्चुअली में आ गया थ्री एच बाई टू रूट टू, है ना। अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो वैसा ऑप्शन दिख नहीं रहा है लेकिन उसको लाया जा सकता है, जैसे ये है थ्री रूट टू एच बाई फोर, तो अगर मैं ऊपर रूट टू से और नीचे भी रूट टू से मल्टीप्लाई कर दूं तो ऊपर तो हो जाएगा थ्री रूट टू एच और ये रूट टू इंटू रूट टू टू इंटू टू फोर, तो थ्री रूट टू एच बाई फोर, यानी कि जो पहला ऑप्शन है वो ये आ रहा है ना, तो ये ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर जो है ये रोटेशन से रिलेटेड है और इसमें स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो यूज में आता है। देख सकते हैं आप, एक मैंने डायग्राम बनाया है, यहाँ पर तीन स्फीयर दिखाए गए हैं जो कि कॉन्टैक्ट में है, है ना, इनका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस दिया गया है डी, है ना, यहाँ पर सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस दिया गया है डी। कहा गया है थ्री आइडेंटिकल सॉलिड स्फीयर्स ईच हैविंग मास एम एंड डायमीटर डी आर टचिंग ईच अदर एज शोन इन फिगर, कैलकुलेट रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ एनर्शिया अबाउट एन एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर पासिंग थ्रू पॉइंट पी एंड बी एज शोन इन फिगर, है ना। यहाँ पर देखेंगे जो स्फीयर है तो इसमें ये जो बोर्ड का प्लेन दिख रहा है इसके परपेंडिकुलर एक्सिस लेना है, एक एक्सिस पी से पास कराना है और एक बी से, है ना, तो एक एक्सिस यहाँ से पास करेगा और एक एक्सिस जो है यहाँ से पास करेगा। पी जो है वो सेंट्रॉयड है ऐसा इसमें बताया गया है, गिवन पी इज सेंट्रॉयड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, है ना। तो सबसे पहले हम लोग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है पॉइंट पी के अबाउट फाइंड करते हैं, है ना। तो पॉइंट पी के अबाउट तीनों स्फीयर्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल आएगा, क्योंकि तीनों का जो सेंटर है इस पॉइंट पी से इक्वल डिस्टेंस पर है, है ना। तो मैं क्या करता हूँ कि इस स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट पता है, ये एक तरह से डायमीटर बनेगा, उसके अबाउट होता है 2/5 mr², फिर पैरेलल थ्योरम लगा देंगे तो पी के अबाउट निकल जाएगा, है ना। तो पहले एक स्फीयर का निकालते हैं, एक स्फीयर का आएगा 2/5 mr², आर के जगह पर डायमीटर का आधा रखेंगे, है ना, इसका डायमीटर जो है वो डी है, ये डायमीटर भी कर सकते हैं, है ना, तो डायमीटर का आधा रेडियस हो गया, तो 2/5 mr², ये आया सेंटर ऑफ मास के अबाउट, है ना। जब भी पैरेलल थ्योरम लगाते हैं तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकाल करके फिर md² ऐड करते हैं, है ना, और डी क्या होता है वहाँ पर ये दो पैरेलल एक्सिस जो लेते हैं उनके बीच का सेपरेशन होता है, तो यहाँ पर आएगा एम इंटू यहाँ से यहाँ तक का जो सेपरेशन है वो निकालना है। अब देखेंगे कि ये एक तरह से इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये जो एंगल है ये सारे एंगल 60-60 बनेंगे और ये सेंट्रॉइड
पर जो लाइन जा रहा है ये एक्चुअली में एंगल बाइसेक्टर होगा, तो ये एंगल आएगा 30 डिग्री, है ना। अब ये डिस्टेंस डी है, दोनों का रेडियस अगर ऐड करें डी बाई टू डी बाई टू, तो टोटल डी बनेगा, है ना। तो ये साइड अगर डी है तो ये जो वर्टेक्स ए है, ए से सेंट्रॉयड के बीच का सेपरेशन कैसे निकालेंगे, हम लोग क्या करेंगे, पहले पूरा निकालेंगे यहाँ से यहाँ तक, ये आएगा डी कॉस 30 डिग्री, और इसका 2/3 होता है ये सेंट्रॉयड से वर्टेक्स का डिस्टेंस, है ना। तो लिखेंगे 2/3 ऑफ डी कॉस 30 डिग्री, ये जो हो गया दोनों एक्सिस के बीच का सेपरेशन हो गया, और इसका स्क्वायर लिखेंगे, है ना, ये आ गया। अब ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया है केवल एक स्फेयर का आया है, है ना। ऐसे तीनों स्फेयर का इतना ही आएगा, क्योंकि तीनों स्फेयर से ये पॉइंट पी का डिस्टेंस जो है वो इक्वल है, है ना। तो इसलिए मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये आ जाएगा 13/10 MD स्क्वायर, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ये आएगा। इसी तरह से अगर हमें पॉइंट बी के अबाउट निकालना हो, तो बी के अबाउट इन दोनों स्फेयर का इक्वल आएगा, इसका थोड़ा अलग आएगा, है ना। तो पहले तो हम लोग इसका निकालते हैं, इसका खुद का सेंटर है अभी, तो सेंटर के अबाउट तो सीधे लिखेंगे 2/5 MR² एम आर का वैल्यू D/2 का होल स्क्वायर। ये तो हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका प्लस। अब हम लोग निकालेंगे कि इसका निकाल लेते हैं या इसका निकाल लेते हैं। जैसे मैं इसका निकालता हूँ, है ना, तो उसका निकालूंगा तो उसका खुद के सेंटर के अबाउट इतना ही आएगा, और फिर पैरेलेक्स थ्योरम लगा देंगे, है ना। तो इसके सेंटर के अबाउट आएगा 2/5 एम इंटू आर स्क्वायर, आर का वैल्यू D/2 के इक्वल है। तो ये हो गया ICM प्लस MD² प्लस एम, डी के जगह पर यहाँ पर डी ही है, दोनों एक्सिस के बीच का सेपरेशन, तो D² ये आ गया इस स्फेयर का बी के अबाउट। सी का भी बी के अबाउट इतना ही आएगा, तो मैं इसको डबल कर दूंगा, है ना। तो फाइनली इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 23/10 MD², ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसमें पूछा गया है रेशियो, है ना, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट पी एंड बी। मतलब हमें निकालना है IP/IB। तो देख सकते हैं कि उसका रेशियो जो है वो आ जाएगा 13/23 MD² / 10 जो है वो दोनों में है तो कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल जो आंसर है वो ये आया, ठीक है। तो ऑप्शन में ऐसा है दिया गया है, मैंने यहाँ पर ऑप्शन लिखा नहीं है, तो ये वाला जो है करेक्ट ऑप्शन है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये जो क्वेश्चन है मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड है। हम लोग मैग्नेटिक फील्ड चैप्टर में एक एम्पियर्स सर्किटल लॉ से रिलेटेड थ्योरी पढ़ते हैं, है ना, उसमें हम लोग कई सारे डेरिवेशन करते हैं, है ना। तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर है जो कि सिलिंड्रिकल शेप का है, है ना, उससे आई करंट जो है वो फ्लो कर रहा है, तो डिफरेंट पॉइंट्स पर उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। कहा गया है कंसीडर एन इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग सिलिंड्रिकल स्ट्रेट वायर हैविंग रेडियस ए, देन द मैग्नेटिक फील्ड एट डिस्टेंस A/3 एंड 2A फ्रॉम एक्सिस ऑफ वायर इज, है ना। तो देखो ये कहते हैं ये सिलिंड्रिकल वायर है, है ना, ये नीचे भी इन्फिनिटी तक जा रहा है, ऊपर भी इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक। इसका खुद का जो रेडियस है वो है ए, ठीक। तो दो पॉइंट दिए, एक पॉइंट दिया गया है A/3, तो A/3 तो इसके अंदर ही आएगा, जबकि 2A जो दूसरा डिस्टेंस दिया गया 2A वो इसके बाहर चले जाएगा, है ना। तो ये जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर का जो ऊपर वाला जो टॉप व्यू है उसको हमने दिखाया है यहाँ पर, ऊपर से देखने पर ये सर्कुलर शेप का दिखेगा ऐसा, है ना। तो इसका जो रेडियस है वो है ए, है ना। हमें पता है कि इसके अंदर अगर किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता है तो हमने एक फॉर्मूला ड्राइव किया है, है ना, आपको याद होगा ये फॉर्मूला होता है म्यू नॉट जे क्रॉस आर डिवाइडेड बाई 2। ये वेक्टर फॉर्म होता है, स्केलर फॉर्म में सीधे लिख सकते हैं म्यू नॉट इंटू जे इंटू आर डिवाइडेड बाई 2,
है ना, चूंकि ये परपेंडिकुलर होते हैं तो यहाँ पर जे इंटू आर ही रह जाएगा, साइन 90 डिग्री आएगा। ठीक, तो म्यू नॉट जे का वैल्यू अगर इसमें फाइंड करेंगे तो टोटल करंट जो है वो सपोज आई जा रहा है ना, यूनिफॉर्मली जो है करंट फ्लो कर रहा है, तो करंट डेंसिटी इसका लिखा जाएगा आई डिवाइडेड बाई पाई ए स्क्वायर, है ना, ये करंट डेंसिटी हो गया, टोटल करंट डिवाइडेड बाई इसका एरिया इंटू ये जो आर है, इस आर का वैल्यू हम लोग रखेंगे ये ए बाई थ्री, है ना, क्योंकि ए बाई थ्री डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ पूछा गया है, तो मैं रखूँगा यहाँ पर ए बाई थ्री, है ना। तो दो जो पॉइंट हैं उनमें से एक पॉइंट जो अंदर वाला है वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ये आएगा म्यू नॉट आई ए इंटू थ्री पाई ए स्क्वायर, ऐसा भी कर सकते हैं ऊपर से एक कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा म्यू नॉट आई बाई थ्री पाई ए। और बाहर के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है इसकी वजह से, अगर ये डिस्टेंस आर हो तो यहाँ पर होता है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई टू पाई आर, है ना, इस कंडक्टर के बाहर, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई टू पाई, यहाँ पर ये एक्सिस से डिस्टेंस होता है, तो एक्सिस से डिस्टेंस जो दिया गया बाहर वाले के लिए वो दिया गया है 2a, है ना, तो यहाँ पर हम लोग r के जगह पर रखेंगे 2a, तो ये आ गया म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई a। ठीक है, ये आ गया। यहाँ पर एक चीज़ जो है देखेंगे, ये म्यू नॉट जे आर बाई 2 था, यहाँ पर 2 मिस हो गया था, तो मैं 2 यहाँ पर वापस लिख देता हूँ। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, रेशियो फाइंड करेंगे, इस पॉइंट पर आया है इतना और जो 2a डिस्टेंस है वहाँ पर आया है ये, तो b इनसाइड डिवाइडेड बाई b आउटसाइड, दो पॉइंट्स हैं उनके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का जो रेशियो है वो देखते हैं कितना आता है, ये है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 6 पाई a। ठीक है, ये इनसाइड वाला है और आउटसाइड वाला है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई a, है ना, तो म्यू नॉट आई पाई a ये जो है दोनों में है कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 6, कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 2 बाई 3, तो ये जो रेशियो है वो आ गया 2 बाई 3। देखेंगे जो सेकेंड ऑप्शन है वो बिल्कुल मैच कर रहा है ना, तो ये करेक्ट आंसर है।